दोस्तों, आज के राधा कृष्ण शुक्र शुरुआत होती है जब दिम्बक कृष्ण से माफी मांगता है तो राधा कृष्ण को रोकती है कि वो दिम्बक को ना मारे। तो कृष्ण राधा की बात मान लेते हैं, किंतु उन्हें ये कहते हैं कि आने वाले कल के लिए उन्होंने काल को निमंत्रण दिया है। वहीं दूसरी तरफ द्वारिका में खुशी मनाई जाती है और सभा में राधा कृष्ण की जय जयकार होती है कि तभी दिम्बक ढोल बजाते हुए सभा में आता है और वो कृष्ण से प्रश्न करता है कि केवल उसके भाई को ही क्यों दंड मिला, उसमें दोष उसका क्या था। उसे ये वर महादेव ने दिया था। जब महादेव को क्या था कि हंस इस वर का दुरुपयोग करेगा तो क्यों दिया वर, और महादेव को दोषी मानने लगता है और पूरी द्वारिकावासी भी उसकी तरफ से बोलने लग जाती है इसमें महादेव की भी गलती है। और दिम्बक वहाँ से महादेव के पास जाता है। वहीं दूसरी तरफ महादेव भी श्री कृष्ण के पास आ रहे होते हैं उनसे पूछने कि उन्होंने उनके दिए वर का मान क्यों नहीं रखा। तभी महादेव को दिम्बक मिलता है और दिम्बक महादेव को कहता है अपना वर वापस ले ले, जो वर उसके भाई की रक्षा नहीं कर सकता वो वर उसे नहीं चाहिए। और दिम्बक महादेव को और भी क्रोधित कर देता है। तभी सारे देवगण आते हैं और वो कहते हैं कि कृष्ण को यहाँ होना चाहिए था। तभी कृष्ण आते हैं और वो महादेव को कहते हैं कि वो उनसे क्रोधित है। तो कुछ समय के लिए महादेव पिघल जाते हैं, किंतु दिम्बक फिर से उन्हें क्रोधित कर देता है। तो कृष्ण भी महादेव को कहते हैं उनका वर वापस ले। तो महादेव ये वर वापस लेने को तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि दिया हुआ वर वो वापस नहीं ले सकते और दोनों में वाद विवाद होता है और दोनों का क्रोध चरम सीमा तक पहुँच जाता है और कृष्ण भी अपने नारायण रूप में आ जाते हैं। तो महादेव कैलाश से दूर चले जाते हैं और नारायण उनके पीछे जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे पर प्रहार करते हैं जिससे पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और कल के प्रीकैप में दिखाया गया है कि नारायण महादेव को पीछे हटने के लिए कहते हैं, किंतु महादेव पीछे नहीं हटते। तो राधा कृष्ण को कहती है कि वो महादेव को छोड़ दे। तो कृष्ण कहते हैं कि ये गलती महादेव ने एक बार और की थी और वो था मृगासुर।